नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मार्शल आर्ट एंड फिटनेस में। दोस्तों आज का जो वीडियो वो होने वाला है नी अटैक पे। तो आज हम सीखने वाले हैं नी अटैक। तो चलिए एक क्लास शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो नी अटैक करना है उसमें देखिए कैसे करना है। तो पहले लगता है कि ये बहुत ईजी है, इसमें क्या सीखने वाला है, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। देखिए सिंपल अपने घुटने को पूरा अच्छे से बेंड करना है, यहाँ पर अच्छे से मोड़ना है पूरा और सामने वाले को हिट करना है, ठीक है। ये एक सिंपल नी अटैक है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे अब इसकी प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम पहले प्रैक्टिस करते हैं, पहले नी अटैक करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो पैर है वैसे खुल जाता है। जब आप पहले नी अटैक की प्रैक्टिस करोगे तो आपका पैर है वो यहाँ पे खुल जाएगा। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है कि हमारा जो पैर है बिल्कुल सांस में लगा रहे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर सांस में लगा रहे कि जब हम नी अटैक करें तो यहाँ पे खुले नहीं पैर। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। तो जो मैं भी आपको कर रहा हूँ ये है फ्रंट नी अटैक। यहाँ पे करते हैं फ्रंट नी अटैक, ये सामने वाले के आपके जो ओपोनेंट है उसके फेस पे, उसके पेट पे या इन जगहों पे आ सकता है। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों अब मैं करके दिखाता हूँ किसको ओपोनेंट पे कैसे यूज करना है। सामने वाला जब आपसे फाइट हो रही है तो उस पर इसको कैसे यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो सिंपल नी अटैक, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पहले आपका ये पैर ऐसे खुलता है। जब भी आप नी अटैक की प्रैक्टिस करोगे ये आपका पैर ऐसे खुलेगा। तो प्रैक्टिस की चीज ही करनी है कि आपका ये प्रॉपर नहीं बने, आपका जो पैर साथ में टच रहे। तो जो सामने वाले को हिट करना है अपने ओपोनेंट को, उसके पेट पे यहाँ पे ऐसे हिट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे फाइट हो रही है, सामने वाला आपको पंच करता, यहाँ पे पंच किया एंड नहीं, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे पंच, यहाँ से उसका सर है पकड़ा, नीचे को लेकर आए और नी अटैक यहाँ पे, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये नी अटैक बिल्कुल उसके फेस पे, उसका मुंह तोड़ने के लिए। तो ऐसे ही और मूवमेंट हो रही है। और थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे अभी तो मैंने उसका सिर्फ फेस नीचे किया था, ठीक है, थोड़ा सा आगे। तो और ये आप यहाँ पे क्या कैसे कर सकते हो, पंच किया यहाँ पे, उसकी गर्दन पूरी पकड़ लो, ठीक है। ये आपको उसका जो हाथ है इसको पीछे की तरफ खींचना है और यहाँ पे उसके पेट में नहीं, राइट या लेफ्ट दोनों आप अटैक कर सकते, ठीक है। फिर से देखना है इसको, यहाँ पर आया ये जी, ठीक है। इसका जो हाथ है इधर को ले जाएंगे तो उसको ये भी पेन होना शुरू हो जाएगा। तो साथ में ये नी अटैक उसके पेट पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरी चीज बताने वाला हूँ वो है अगर आपके ओपोनेंट में डिस्टेंस है, ठीक है, अगर दूर से है तो आप यहाँ पे जंप नहीं ले सकते हो। वो कैसे लोगे, देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टांस है, पहला नहीं किया है, पीछे वाले पैर का हम नहीं करते हैं, सीधा बिल्कुल सामने, ठीक है। तो जो हमें जंप नहीं करना है वो भी आगे वाले पैर का करना है। यहाँ पे खड़े आगे वाले पैर का नहीं आएगा, पीछे वाले पैर को आपने उठाना है, नीचे वाले पैर का जंप देके यहाँ पे नी अटैक। तो अगर आपके और आपके ओपोनेंट में डिस्टेंस है तो आप ऐसे जंप से उस पर अटैक कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जैसे इतना भी डिस्टेंस है, ठीक है, तो अब जंप आगे को जंप लेना है और सामने नहीं लेना है। यहाँ पे खड़े हो, देखो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो आप यहाँ पर जंप पे नहीं ले सकते हो। तो दोस्तों मैं फ्रंट नी अटैक की मूवमेंट बताइए, एक बार मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, कैसे करना है। देखिए यहाँ पे खड़े, सबसे पहला जो नी अटैक करना है आपका जो पैर है यहाँ पे टच होना चाहिए, इसको खोलना नहीं है। इसके लिए खाली में जरूर प्रैक्टिस कीजिए, मतलब आपके साथ ओपोनेंट नहीं है, किसी फाइट भी नहीं कर रहे, तो इसको अपनी शेडो प्रैक्टिस है वो जरूर करनी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मूवमेंट मैंने बताई, जो फर्स्ट मूवमेंट बताई, जब कोई पंच मारता है या कोई और भी अटैक करता है, ठीक है, यहाँ पे उसका आप फेस नीचे लेकर आना है और फेस पे नहीं, ठीक है। सेकंड मूवमेंट उसमें क्या करना है, आपने से गर्दन को पकड़ लेना है, यहाँ पे आया ये चीज और उसका नी है वो पेट पे आ जाएगा। यहाँ पे राइट का लीजिए, यहाँ पे लेफ्ट का लीजिए, ठीक है। और जो तीसरी मूवमेंट है वो मैंने जंप पे बताई, यहाँ पे जंप पे, ठीक है। तो दोस्तों आप नी अपने घुटने को ऐसे यूज कर सकते हो दूसरों को हिट करने के लिए, जो भी मतलब आपको तंग कर रहा है, जिसके साथ आपकी लड़ाई हो रही है, तो वहां पे आप अपना नी अटैक ऐसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों नी अटैक को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ये जब क्लोज कॉम्बैट में काफी अच्छा अटैक है, जब आप और आपका ओपोनेंट आप क्लोज है तो वहां पे बहुत इफेक्टिवली यूज होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर चाहते हैं और लोग भी सीखें तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।